मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम जा रहे हैं चतुर्मुखी शिव मंदिर, तो चलिए आगे दिखाते हैं आगे का। ये देखिए, ये अभी हम आगे हैं पुणे बेंगलुरु हाईवे पे, एक कातराज जो ये है कातराज घाट, हाँ कातराज घाट बोल सकते हैं, कातराज का केव है आगे। अच्छा, तो अभी हम हैं एक कातराज टनल, देखिए आ गया कातराज टनल के ही थोड़ा सा आगे जाके और लेफ्ट साइड में मुड़ना एक गांव है और वहीं पे एक छोटा सा चतुर्मुखी शिव मंदिर है। चलिए अभी टनल के अंदर चलते हैं, ये बहुत लंबा है। अंदर जाने के बाद तो बच्चे इतना शोर करते हैं कि मत पूछिए। फाइनली जाके ख़त्म हुआ तो हम लोग बाहर आए। बाहर अंदर से अंधेरा रहता है, बाहर आओ तो इतना लाइट। हम जाके लेफ्ट ले लेंगे, ये टनल पार करके जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस करके तुरंत लेफ्ट लेना है। तो हमने लेफ्ट ले लिया और अभी गांव के रास्ता है तो सीधे अब हम जाएंगे लो, है ना, मंदिर में। यही रास्ता जाएगा ना मंदिर के पास। देखिए यहाँ बेलू आया, बेलू बेलू से लेफ्ट होंगे, पूरा गांव का रोड है ये, बहुत पतला है ना गांव का रोड, ऐसे ही होता ही है। वो आगे पहाड़ है, पुणे में ना तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। तो ये हम लोग आए गांव के रास्ता होके, गांव के रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा कि मत पूछे। बाइक या स्कूटी वाले तो मतलब जा रहे थे तो निश्चित ही, मतलब दो तीन चार बाइक वाला जा रहे थे, एक गिरी जा रहे थे, इतना डेंजर था। फिर भी मतलब कैसे भी हम लोग निकले वहां से। बीच में गांव था है ना, वहां का रास्ता बहुत ख़राब था, मतलब वही आधा किलोमीटर से अगर यहाँ पे फिर आगे अच्छा रास्ता। यहाँ पे पूरा घाट है, ये देखिए हम लोग अभी पहाड़ के आए हैं ऊपर, और यहाँ से ये तो बहुत डर रही है, घूमने घूमने जाना है यहाँ। हाँ डरते हैं, हाँ वहाँ भी एक टेंपल दिख रहा है, इसमें दिख चलाऊंगी तो कैसे लाऊंगी। हाँ देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, उधर मत जाइए, इधर आइए दोनों। अभी आगे और एक किलोमीटर है, यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है सब, मस्त पिकनिक स्पॉट है, इधर आइए। गाड़ी कितना स्पीड में चला रहे, हाईवे वाईवे सब इधर सिटी दिख रहा है, सामने भी एक पहाड़ है। तो ये हम लोग फिर वहाँ पे रुके थे, फिर उसके बाद चल दिए। चलने के बाद क्या, चढ़ाई पे बहुत दिक्कत हो रहा था, ये ऑटो वाला का तो हालत ख़राब हो गया था, मतलब चढ़ाई में हम लोग को भी बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन इनको चलाने का आदत हो गया है तो ये तो चल दिए। मतलब जितने आपको चढ़ाई में दिक्कत है उतने ही उतरने में भी दिक्कत है। तो चलिए हम लोग सामने, आपको शिव जी के मंदिर दिख रहा है वहीं हमें जाना है, तो आ गए फाइनली। मतलब बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को आने में, मतलब ये घाटी ना, आप कहीं भी जाइए और जहाँ पे घाटी है वहाँ पे चलने में सच में यार बहुत दिक्कत होता है। और इतना मतलब जिलेबिया मुड़ानी घाटी था ना कि मत पूछिए। तो देखिए आए हम पुणे के तरफ से और यहाँ पे है महादेव मंदिर, टॉप पे है पूरा पहाड़ के, और ये रोड जो जाएगा ये सासवड के तरफ जाएगा, ये जो ट्रक आ रहा है। इधर पार्किंग भी है, थोड़ा छोटा मोटा गन्ने का दुकान भी है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर में, यहाँ पे सब चप्पल ऊपर काट के अंदर जाते हैं। हम आ गए मंदिर के अंदर, कुछ यहाँ और शिव मंदिर अंदर है, अच्छा प्रांगण है ना, साफ सुथरा क्लीन है। हाँ तो चलिए अभी फिलहाल हम चलते दर्शन करते हैं। मतलब रास्ता तो बहुत ईजी था, फिर भी हिम्मत करके यहाँ तक आ गई मंदिर को। अब हम चलके दर्शन करते हैं अंदर, उसके बाद बाहर का। आपको पता है क्या, मम्मी बहुत डर रही थी। हाँ इतना पहाड़ी था ना, देखिए यहाँ पे कुआं जैसे बना है, अलग अलग कुंड है। इसमें पानी है, छोटा सा कुंड। श्री गुरुदेव दत्त मंदिर, हाँ चेयर
अच्छा है पिकनिक स्पॉट जैसा। चलिए ये है मेन मंदिर, अब चलिए हम अंदर जाके दर्शन कर लो। बड़ा है ना, यहाँ पे देखिए कछुआ है, यहाँ पे नंदी बाबा है। ये आप लोग भी महादेव जी का दर्शन कर लीजिए। हर जगह तो वीडियो नहीं बनाने देते हैं तो हम लोग नहीं बना पाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी नहीं माना किया, यहाँ पे सब बना रहे थे तो हम भी बना लिए। शिव जी अंदर है और वो बाहर से, मतलब सब गेट लगा है, आप अंदर से ही मतलब जय बोल सकते हैं, बाहर से ही, अंदर मतलब जाना अलाउड नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा गेट है, उसके अंदर है, और बाहर इतना अच्छा फूलों से सजावट किया हुआ है ना, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहीं से मतलब आप जो भी पूजा पाठ कर सकते हैं सब कर लीजिए, हम सब भी बाहर से ही किए, अंदर से नहीं कर सकते। तो चलिए सब बोलिए ओम नमः शिवाय। तो दर्शन के क्या आ गए ना, छोटा सा महादेव मंदिर था पहाड़ के पूरा टॉप पे, मगर अच्छा था, छोटा सा है, पिकनिक स्पॉट है। पहाड़ पे जाने के लिए रास्ता कैसा रहता है यार, कितना डर लगता है। बहुत डेंजर था, डेंजर तो बहुत था, फिर से टर 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 पर कोई बात नहीं, जग जू जैसा था जाने में, जितना डर उठने मतलब नीचे आने में, इसके लिए मैं उधर की एक भी वीडियो नहीं बनाई, इधर आ गए तब। तो चलिए अब चलते हैं रूम पे, बैठा उसके रूम के साथ पटा सरक, बताओ ऐसे ठीक था ऐसे टरक ऐसे, बताओ नदी होते है ना वो सा टरक टरक। तो चलिए अभी फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं, और ये छोटा सा हमारा ट्रिप था तो मतलब अच्छा था, एंजॉय किए, और ये ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।